अकीर, मैं चाहती हूँ अब तेरी दस्तारबंदी करा दी जाए। सोना सिंह सजेगा मेरा अकीर। वो देख, अपनी दादाजी को देख, और ये देख अपने पापा को। जी मैनू भी तो देख। पुत्र जब आपकी दस्तारबंदी हो जाएगी ना, तब आप भी पग बांधना शुरू कर दोगे दारजी की तरह, अपने पापा की तरह। हुँ? आपको याद है एक बार आपने मुझसे पग के बारे में पूछा था? दोस्त अंकल, जब मैं आपके जितना बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आप मुझे पग बांधना सिखाओगे? लगता है अभी अकीर को दस्तारबंदी की अहमियत पता नहीं है, तभी तो एक्साइटेड नहीं लग रहा। मुझे पता है, मेरी मम्मा ने बताया था। अच्छा, क्या बताया था? मम्मा कहती थी जब मैं बिग बॉस आ जाऊंगा ना, तो मेरी दस्तारबंदी का बड़ा सा फंक्शन करेंगी। और उन्होंने ये भी बताया था कि सिखों के लिए पग एक कपड़ा नहीं होता, उनके सर का ताज होता है, ताज। हे छोटू से इनवाइट कर रहे हो ना अपने फंक्शन में मुझे? अब तो पहले से इनवाइटेड हो, जहां मैं वहां आप। अकीर, गुरनूर मिस नहीं आएंगी, ये फैमिली फंक्शन है। ये मेरी फैमिली है। मिस, मैं आपको अभी इनवाइट कर रही हूँ, अगर आप नहीं हैं तो मैं दस्तारबंदी नहीं करवाऊंगा। अकीर, तो देखना जैसे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को मैं अकीर के दस्तारबंदी में नहीं आने दूंगी। परछाई, लेकिन रोकोगे कैसे? देखिए ना, अकीर कितना कनेक्टेड है उससे। कुछ तो सोचना होगा ना। मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। अरे मिस, ये तो बड़ा बोरिंग है। छोटू सिंह, तुम्हारी बेबे चाहती है कि तुम एकदम टोपो टाप लगो अपने फंक्शन में। अब अच्छा लगने के लिए अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छे कपड़े पहनने के लिए अच्छे से सिलवाने पड़ेंगे, अच्छे कपड़े सिलवाने के लिए नाप देना पड़ेगा। Exactly. अब इसीलिए दो मिनट चुपचाप सीधे खड़े रहो, ओके? मास्टर जी, अभी चेस्ट। रब आप ही इश्क उगावे, रब आप ही इश्क मिटावे, रब आप ही इश्क उगावे, रब आप ही इश्क मिटावे।